हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैंने नाश्ते में बना रखा है घिया की सब्जी और रोटी, तो मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, फिर वो रोटी जाएंगे। आज मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिए है वीडियो, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। पानी कहाँ आ रहा है शायद? अच्छा, वो उधर से सुनाई देता है ना, भैया लोगों ने खोल रखा। तो ये हो गए रेडी और नाश्ता करेंगे। और नैना भी सोई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो नैना नीचे सोई है, उठ नहीं रही, रात में रो रही थी। उठो नैनो, नहीं उठना। तो अब उठ जाएगी ये भी 9:30 बजे तक, फिर काम करूँगी, साफ सफाई पूरा ऐसे ही फैला रखा है। बच्चों के साथ यही होता है। नीचे भी उसने अपने सारे खिलौने मैंने उसमें रखे थे एक टोकरी में, तो सारे पलट के। गाइस, तो नैना उठ गई है और उसके पापा भी चले गए हैं ड्यूटी और खेल रही है अपना। बोलो गुड मॉर्निंग, बोल दो जोर से, बोलो। हाँ, अभी अभी उठी है, सीधे अपने खिलौने पकड़ी और यहीं पे थे चारपाई के नीचे और यहाँ पे लेके आ गई और खेल रही है। ये क्या है? सुनो सुनो नैनो, ये क्या है? वी। अच्छा, गुड गर्ल। और ये क्या है? काउंट करो, क्या है ये? वन। ये क्या है जल्दी बताओ नैनो, गलत है, वन नहीं है ये, क्या है? टू। अच्छा, और ये क्या है ये बता दो? डॉगी। डी फोर डॉग। और सुनो, हाँ मैं आपको और पूछती हूँ, पूछू ये क्या है? क्वीन। अच्छा, और ये क्या है? आर। और ये ये क्या है? जागी। जागी नहीं, जे फोर जग। और ये क्या है? एलिफेंट। गुड गर्ल। और ये कौन सा? काउंट करो, कौन क्या नंबर है ये? वन। नहीं, क्या ये? थ्री। नहीं, फाइव। हाँ तो ठीक है, मैं दूध लेके आ रही हूँ। हाँ दूध पिएगी? सुनो लाडो, दूध पिएगी? गंदी है तो हमेशा दूध के लिए ना बोलेगी, माँ करती है तो अब मैं इसे दूध पिलाऊंगी, उसके बाद करूंगी काम। नैनो कहाँ जाएगी शाम को घूमने? घूमने। अच्छा, ये क्या बना दिया आपने? मिला के बनाओ, 1 2 करके बनाओ। इधर 6 कहाँ, 3 कहाँ है? गाइस, तो मेरे किचन की सफाई हो गई है, नाश्ता कर लिया है और नैना यहाँ पे बैठी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, उल्टे काम कर रही है तो बहुत गंदी हो गई लड़की। देखो भाई, मेरी लिपस्टिक हाथ में लिया और सारा खराब कर लिया इसने, और पैरों पे भी लगा दिया है। दूसरा दिखाओ, ये क्या कर दिया नोनो? अरे ये क्या कर दिया आपने बेटा? गंदी बात होती है ना। देखो, हाँ हैंड दिखाओ, हैंड फिंगर क्या कर दिए? हाँ, मुंह पे भी लगाया है। हे गाइस, तो हम उठ गए हैं, माँ भी इतनी सो के, और अभी तक इसके पापा ने आए हैं, शाम के बज गए 5 और हम अभी दुकान पे गए थे दूध लेने। नैना कचरी खा रही है, यही खाती हो बस, बाकी और चीज़ नहीं खाती। आप सबको पता ही होगा, मैंने फर्स्ट पहले ब्लॉग में ही बता रखा आपको। और सुबह से तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन फिर से मौसम चेंज हो गया है तो सही है, बारिश हो जाती है। आज भी तो सही था, थोड़ा ठंडा हो जाता। इसके पापा भी आए अभी, और जो सामने घर बन रहा था वो आधा बन चुका है, अभी भी काम चल रहा है, बहुत बड़ा घर बन रहा है वहाँ पे। गाइस, तो अब बना रही हूँ मैं मैंगो शेक, उस दिन मम्मी ने दिए थे परसों मुझे, और एक मैंगो का हो जाएगा, 2 गिलास इनके लिए और मेरे लिए। मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, एक अभी फ्रिज के अंदर रखा है, थोड़ा थोड़ा करके ही गर्म करती हूँ।
तो जब तक इसके पापा आते हैं तब तक बना के रेडी रखती हूँ। थोड़े ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ, किशमिश वगैरह डालूंगी तो अच्छा लगता है। आज तो आइसक्रीम नहीं है दिल्ली में, तो आइसक्रीम यहाँ दूर जाना पड़ता है तो मैं गई नहीं। वो इसके पापा को कॉल कर रही थी लेकिन उठाया नहीं, कि अब तो रास्ते में होंगे तो कॉल नहीं उठाया इन्होंने, नहीं तो आइसक्रीम मंगा लेती। तो सिंपल नॉर्मली बना रही हूँ, मैंगो डाल के थोड़ा आइस डाल लेती हूँ ठंडा ठंडा, और फिर थोड़ा दूध दूध डालूँगी, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूँगी। तो गाइस जा चलो मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, मिलती हूँ बाद में जब बन जाएगा। मैंने दूध रखा था और नैना ने मुझे बाहर खींच लिया कि चलो बाहर, तो मैं उसे बाहर बैठाने के लिए चली गई। तब तक दूध गिर गया, यहाँ सारा दूध गिर गया है आप देख सकते हो, और नीचे चूल्हे के नीचे भी। और नैना आराम से बैठी है बाहर, कचरी खा रही है, तो उसे शायद बाहर बैठना था, तो उसे वो मुझे भी लेके जा रही थी कि मम्मी बाहर चलो, तो मैंने कहा मैं मैंगो शेक बना लूँ तब तक उसे बाहर बैठा दूँ, पर इस लड़की ने मेरा दूध गिरा दिया। गंदे हो आप, हाय कर दो, हाय करो, कैसे हो, ठीक हो, दूध गिर गया, बोलो बोलो दूध गिर गया। गाइस तो मैंगो शेक बन के हो गया है रेडी, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब मैं उन्हें दूंगी। ये निकल नहीं रहा, निकल गया। तो मैंने एक ही मैंगो यूज किया था, आप देख सकते हो कितना अच्छा हो गया है। नैना तो पिएगी नहीं, और मैंने थोड़े काजू और किशमिश रखा है यहाँ पे। बादाम मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं गर्मी में बादाम मत डालना, तो इसलिए मैं थोड़े काजू और किशमिश डाल रही हूँ। और चम्मच का ये चम्मच में यहाँ रखती हूँ गिलास में। तो गाइज आप सब भी आ जाओ मैंगो शेक पीने के लिए। मैं अपने हस्बैंड को पूछती हूँ कैसा बना है। लो जी आपके लिए, आज मैंने चाय नहीं बनाई। हाँ दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पी के बताओ सबको तो कैसा बना है, सच्ची सच्ची बताना, झूठी तारीफ मत करना। पत्नी की कोई झूठी तारीफ नहीं करता, सच्ची तारीफ करता पत्नी की। अच्छा जी, प्लेट में अच्छा लगा, अच्छा लगता है। पियोगे नैनू? नैनू पियोगे? नहीं वो तो पीती नहीं। लो ये काजू खाओ, काजू रखे हैं यहाँ पे पापा ने ना, खा लो फिर। गाइस आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो मैं भी टेस्ट करती हूँ। अच्छा रहा, मैंने आइस कम डाला था, ज्यादा चिल्ड नहीं हो रखा है। आइसक्रीम होता तो मजा आ जाता, भाई खिलाता था। मैं भाई को भी बहुत मिस कर रही हूँ, सबको ही मिस कर रही हूँ, भाई को, भाभी को, मम्मी को, रोहित को, पापा को, और सारे हमें भी मिस कर रहे हैं। मतलब सुबह से लेके रात 11 बजे तक कितनी बार हम वीडियो कॉल कर लेते हैं इसके लिए कि नैना क्या कर रही है, नैना को दिखाओ। और कल भाई भी दुबई पहुंच गए हैं, कल मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग की फ्लाइट की टिकट थी उनकी 8 बजे की, तो पता नहीं 10:30-11 बजे पहुंचे। मुझे नहीं पता, पर शाम को भाई ने मैसेज किया था मुझे कि मैं पहुंच गया, फिर शाम को कॉल में बात हुई थी वीडियो कॉल में, तो अच्छा लगा था। वो बहुत मिस कर रहे हैं, और भाभी ज्यादा इमोशनल हो गई, ये भी आ गई, भैया भी चले गए, तो भाभी का मुंह फेस भी वाला अजीब सा, आंखें रेड से लग रहे थे, जैसे हम बात कर रहे हैं तो होता है, सबको ही होता है। तो क्या करें, मजबूरी है, जॉब तो करनी है, फैमिली से दूर रहना ही पड़ेगा जब, है ना नीनू? गाइस हम आ रखे हैं मंदिर, आ जाओ, फर्स्ट टाइम आए इस मंदिर में, चलो।
दर्शन कर लिए भगवान जी के, फर्स्ट टाइम आए हम इस मंदिर में। और हमारे घर के मतलब पास से थोड़े मतलब 15-20 मिनट पैदल आना पड़ता है। तो मैं, नैना, उसके पापा आए अभी। और हमें नैनू क्या खा रहे हो? मिठाई, प्रसाद, बूंदी, बूंदी का प्रसाद खा रहे हो। क्या लगा? हाँ जे जे किया तो नैना खुश हो जाती है और बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिल गया यहाँ आके। और इन्होंने बोला था कि चलो वहाँ चलते हैं, थैंक यू, क्योंकि अब कहीं दूर जाने का टाइम भी नहीं है शाम को बच्चे के साथ, तो इसलिए हम पास ही घूम रहे हैं। अब थोड़ा इधर टहल के चलते हैं घर, सब्जी वब्जी लेके। सब्जी वैसे तो है तो गाइस, बहुत अच्छा लगा और अच्छा है अंदर। मैंने वीडियो बना रखी है तो आप ज़रूर देखना, दर्शन आप भी कर लेना। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि आप सबको भी दर्शन हो जाए। नैनू इधर देखो बेटा, पकड़ो टाइट से। बस देखो भैया कैसे कर रहे हैं, देखो भैया को देखो, देखो वाओ, गुड, भैया को गुड बोल दो। अब देख दीदी भी करेगी, दीदी कर ऐसे कर रहे, देखो ओहो हो गया, कल आना आप, चलो थक गई ना आप खेलते खेलते, खेलो